दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी जानलेवा रफ्तार से उमरान मलिक ने तोड़ दिया करुणातने का हेलमेट। 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उमरान मलिक ने ऐसी तबाही मचाई कि श्रीलंकाई बल्लेबाज दहशत में नजर आए। तो वही रफ्तार के नए सौदागर के हेलमेट तोड़ देने वाले कारनामे को देखने के बाद तो पूरी दुनिया उनसे खौफ खाने लगी है। तो आखिर क्या था वो लम्हा जिस पर उमरान की दहशत से लंका दहल उठा? उनके खौफनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में गेंदबाजों का पूरी तरीके से दबदबा रहा, लेकिन दिन ब दिन नए मुकाम हासिल करने वाले रफ्तार के नए सौदागर उमरान मलिक ने इस मैच में भी अपनी घातक रफ्तार और शानदार प्रदर्शन से ऐसी छाप छोड़ी है जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हाँ, उन्होंने आज श्रीलंका की दो सबसे बड़े ऑलराउंडर, जो भारतीय टीम से बड़ी आसानी से मुकाबला छीन सकते थे, उन्हें अपनी रफ्तार से डरा धमका कर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। जी हाँ, जम्मू एक्सप्रेस उमरान ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे वानिंदु हसरंगा और जमिका करुणातने को अपनी खौफनाक गेंदबाजी का शिकार बनाए, जहाँ ये दोनों बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उमरान की गेंद की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ये बल्ला पूरा चला पाते उससे पहले ही गेंद बैट में लग कर फील्डर के हाथों में पहुंच गई थी, जिसे देखकर ये बल्लेबाज तो सदमे में आ गए थे। वहीं भारतीय खिलाड़ी भी हैरान थे, क्योंकि ऐसी रफ्तार कभी ना किसी ने देखी है और ना ही कभी किसी ने कल्पना की थी। लेकिन उमरान मलिक ने आज इससे भी बढ़कर एक अद्भुत कारनामा कर दिया, जिसमें करुणातने की तो जान पर बनाई थी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, उमरान मलिक की कातिलाना रफ्तार से श्रीलंकाई बल्लेबाज पहले ही दहशत में थे, लेकिन इस मैच में उमरान ने अपनी रफ्तार से और भी अधिक इजाफा करते हुए श्रीलंका की नाक में दम करके रख दिया। इसी दौरान जब करुणातने बल्लेबाजी करने आए, तब उमरान मलिक ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जो गेंद सीधे जाकर उनके हेलमेट पर लगती है। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी चोटिल होकर अपनी जगह पर गिरने वाला है। वहीं ये लम्हा देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया था। एक पल के भीतर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया था। तो वहीं लंका खेमे से भारतीय खेमे तक के होश उड़ गए थे। सभी ने सोचा कि आज तो कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन दोस्तों, गनीमत ये रही कि करुणातने ने अपने आप को संभाल लिया। पर ये तो साफ जाहिर हो गया था कि उमरान को खेल पाना इनके बस की बात नहीं है। वहीं जब उनके हेलमेट को चेक किया गया तो ये सामने आया कि उमरान की बाउंसर से हेलमेट पूरी तरह से टूट गया है और अब वो खेलने के लायक भी नहीं रह गया है। ये देखकर तो करुणातने भी हैरान हो गए थे। उन्होंने भी भगवान से अपनी जान का शुक्र मनाया होगा। जी हाँ दोस्तों, उमरान मलिक की ये खतरनाक रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, उमरान मलिक एक दिन शोएब अख्तर के सबसे तेज गेंद के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।